आप देख रहे हैं उत्तराखंड। देहरादून परेड ग्राउंड में इमेज इवेंट की ओर से एक धरोहर का आगाज धमाकेदार अंदाज में हुआ। मेले का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा किया गया। इसमें स्थानीय विधायक खजान दास और निवर्तमान मेयर सुनील गामा, धीरेन्द्र पवार और समाज सेवक दिनेश चमोली भी उपस्थित रहे। इमेज इवेंट धरोहर 2024। सुनील रावत ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। यहाँ मेला 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। इस कार्यक्रम में लोक गायक दर्शन फरसवाण द्वारा है। नंदा गोरा, शिव की बारात, शिव जटाधारी, हिमगिरी की चेली, नंदा भवानी, झुमकी, मोहनी, मोतिमा समेत कहीं गानों की धमाकेदार प्रस्तुति दी धरोहर 2024 में स्थानीय शिल्प एवं सांस्कृतिक खान पान को बढ़ावा दिया जाएगा, तथा साथ ही पूरे देश के हर राज्यों से शिल्पी उत्पादों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें देश के सभी राज्य अपनी अपनी शिल्प कलाओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बखूबी प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हैंडीक्राफ्ट, वी हैंडलूम, फूड जोन, आजीविका उत्पाद, मोर अनाज, वो पहाड़ी दालें झूठ, पहाड़ी दालें, मड़ुआ का आटा, झंगोरा, चौलाई और बीकानेर नमकीन, आचार व बच्चों के लिए मनोरंजन के विभिन्न प्रकार के खिलौने व झूले का आनंद लोगों ने खूब लिया। फिर ये सारा खाना और शुगर, फिर ये मेरा सारा खाना, मैं टोटली गुड़ पे काम करता हूँ, शक्कर पे काम करता हूँ, मेरा शक्कर से बने होते हैं सारी चीज़ें, सारा जो है मिलेट का काम है। तो मैं चाहता हूँ हेल्थ एक अच्छा रहे, अच्छा खाओ उत्तराखंड से, कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हेल्थ पे काम कर रहा हूँ मैं टोटल, जो लोग हेल्थ से रिलेटेड काम इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं एक टेबलेट 10 रुपये की आता, हम बोलते हैं लड्डू 10 रुपये का खाओ आप शाम को दूध को, जो है हमारे अलसी है, जो कि बोला जाता है कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जो हार्ड वाले लोग होते हैं उनके लिए अलसी बहुत अच्छा है, फ्लैक्स सीड बोलते हैं, झंगोरा शुगर फ्री भी है, झंगोरा भी शुगर फ्री है, शुगर फ्री झंगोरा था, लोग हमारे दिए गाँव में झंगोरे का बहुत शौकीन है, जो बोलते शुगर फ्री लड्डू भी है और चावल भी है, जो भात खाते हैं लोग इस समय, तो शुगर प्लेट उसी तरह की मेरे पास नमकीन भी है, झंगोरे की बर्फी है मेरे पास। अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है। तो आप ये कैसे बनाते हो, मैं आप अपने आप बनाते हो या कैसे? ये तो हमारे टेलर होते हैं, टेलर लोग बनाते हैं। तो आप कौन कौन सी आपके पास आइटम है, गढ़वाली कुमाऊनी? हमारे पास जो है ये टोपी होती है, हिमाचल की भी होती है, गढ़वाल की भी होती है, ये सब हम तैयार करवाते हैं। कि जो आप लोगों ने हमारी जो गढ़वाली संस्कृति का इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे लगाया है, और अब मुझे देखा, मैंने बहुत सारे युवा ऐसे, मैंने कहा जिनको बोला नाचो, वो नाचने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, मैंने कहा भाई क्यों, कि हमारी फीलिंग नहीं आ रही। मैंने कहा भाई फीलिंग तब आएगी जब अपनी संस्कृति को अंदर लेंगे तुम, है ना, जो लोग नाच रहे ऐसे थोड़ी नाच रहे, बाहर के लोग नाच रहे हैं, यहाँ पे गढ़वाली आप संस्कृति का मेला चल रहा है, कश्मीर से यहाँ पे लोग बिजनेस करने आ रहे हैं, हमारी गढ़वाली संस्कृति एक दो दुकान है, वो कोदा जंगरा बिस्किट, उसको हम खुद गढ़वाली अगर खाने के लिए तैयार नहीं हुए तो बहुत दुख की बात। आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम श्री नरेंद्र सिंह रावत है जी। आज आपने ये पहाड़ी टोपी भी खरीदी है, क्या कुछ कहेंगे, ये मेला जो लगा हुआ है कितना सक्सेस है, आज बहुत भीड़ भी देखने को मिल रही है? ठीक है, हमारी अपनी धरोहर है, हमारी अपनी संस्कृति है, और हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर जिंदा रहे, और हमारा जो कल्चर है वो जिंदा रहे। हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी सांस्कृतिक प्रोग्राम भी यहाँ पर हो रहे हैं, और काफ़ी लोग, काफ़ी मात्रा में जो है भीड़ भी है, लोग प्रेमी हैं अपनी संस्कृति के, अपने धरोहर के, बहुत अच्छा लगा हमें। आज कहाँ से आ रखे हैं? हम कश्मीर से सर। क्या क्या बेच रहे हो इसमें आप? क्या हमारे पास सर शॉल है, सूट है, स्टोल है, साड़ी वगैरह रखते हैं, कैसा इस टाइप का है, थोड़ा बहुत सही है सर, बाकी ये वूलन का सूट बिक रहा है अच्छे, और ये कॉटन का भी रिस्पॉन्स अच्छा है, यहाँ पे परेड ग्राउंड में सबसे बेस्ट है, बाकी ग्राउंड से अच्छा है यहाँ पे परेड ग्राउंड में सर। जी जी, हमारे पास सर कॉटन के, सिल्क के, जॉर्जेट, वूलन सब रखते हैं हम सर, साड़ी वगैरह, बाकी स्टोल वगैरह भी प्योर में शॉल है, ये देखिए सर आप। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो किस रेंज से? हमारे पास 500 से स्टार्टिंग है, बाकी जितने तक कस्टमर को चाहिए उतने तक दे सकते हैं शॉल। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। और आज आप परेड ग्राउंड में आ रखे हैं, धरोहर 2024 का आप लोगों को बुलाया गया जी, जी। क्या कुछ कहें? मैं पहले तो धरोहर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज हम तो कई सालों से लगातार टीम के साथ, ग्रुप के साथ कार्यक्रम करते रहते हैं, तो इस बार मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे स्पेशली आमंत्रित किया गया है। एक बार पुनः धरोहर की पूरी टीम का, सभी का एक बार पुनः दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, और जो यहाँ ऑडियंस है आज, क्योंकि आज शुभ पर्व भी है करवा चौथ,
तो मुझे लगता है कि आज लोग आएंगे, लेकिन जिस प्रकार के आज भीड़ उमड़ी है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। जैसे कि आजकल ना कल्चर, हमारे जो गढ़वाली कल्चर है उसको भूल रहे हैं लगातार, आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं, तो किस तरह से आप इसे देखते हैं सर? हमारे जो कल्चर है, हमारे पहाड़ का कल्चर तो इतना अच्छा है कि इसको बढ़ावा देना ही देना, मेरे हिसाब से बहुत सबको बढ़ावा देना चाहिए, हमारे देश प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं। मुझे लगता है कि हमारे पहाड़ में, और जो आजकल एक हमारी वो चल रही है, क्या बोलते हैं उसे, भू कानून के लिए, तो मुझे लगता है कि हमारे आने वाले फ्यूचर थोड़ा हमारा, अगर ये हमारा भू कानून आ जाता है, उसके बाद